अस्सलाम वालेकुम, सिडबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, आपको आइडिया है कि कोई भी ऐसा फेस, कोई भी ऐसा एरिया जहां पर डेवलपमेंट कमर्शियल या रेजिडेंशियल बहुत तेज़ी से चल रही हो, वो एरिया बड़ी तेज़ी से प्राइसेस गेन कर जाता है, वहां पे प्राइसेस में इजाफा हो जाता है। आज हम जो बात करेंगे बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से बात करेंगे, और बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 बैरिया ऑर्चर्ड के चारों फेजेस में एक बहुत अट्रैक्टिव, एक बहुत रीजनेबल और अच्छे रैंक वाला एक फेज़ है। बेस्ट फेज़ की बात करें तो इसके ऑपोजिट साइड फेज़ 1 आता है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद है। लेकिन फेज़ 1 की ऑपोजिट साइड पे अगर बात करें फेज़ 4 की, तो टोटली चार फेजेस में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वाला फेज़ जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 है। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की बात करें तो इसकी एक नुमाया खसूसियत अब जो बनने जा रही है या बन चुकी है, वो इसकी एक अच्छी बड़ी एंट्रेंस पर बड़े बड़े मॉल्स हैं, और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है और डिफरेंट मॉल्स यहाँ पे बन रहे हैं। कुछ क्लाइंट्स के नज़दीक ये थोड़ी सी नेगेटिविटी है कि मतलब शॉप ज़्यादा हो जाएंगी, अपार्टमेंट ज़्यादा हो जाएंगे, जो रेट्स या जो पोटेंशियल होना चाहिए वो उस तरह से नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से अगर बात करें तो बिल्कुल स्टार्ट पर जो कमर्शियल ऑप्शंस आ रही हैं, जिनमें आप टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशियल से स्टार्ट करें, G1 ब्लॉक में जो बन रहा है, इसी तरह से G2 ब्लॉक में बिल्कुल अपोजिट टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशियल आपको अरेबियन 99 मॉल की लोकेशन मिलती है, और उसके बिल्कुल साथ क्यू बाज़ार की रिसेंट डील क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दी गई। एक इसके पीछे अगर आप मूव कर जाएं G2 ब्लॉक के लास्ट वाले एरिया में, तो वहाँ पर आपको ऑर्चर्ड मॉल, जिसकी कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ है, और इन सब मॉल्स में एक अच्छे लेवल पर वो बन चुका है ऑर्चर्ड मॉल, मतलब बाकियों की नस्बत थोड़ा सा ज़्यादा एरिया उसका, अप टू सेकंड फ्लोर जो है काम चल रहा है। जाहिर बात है अगर ये पहले लॉन्च हुआ था तो ये डेवलपमेंट में थोड़ा सा आगे है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये मॉल्स बन रहे हैं। इसके अलावा G2 ब्लॉक में अब मज़ीद मॉल्स जो हैं वो नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हैं। एक और मॉल जो है अलिस क्लैन ग्रुप, एक बहुत अच्छा ग्रुप है, इनकी तरफ से भी बनाया जा रहा है SQ99 मॉल, उसकी भी प्रॉपर लॉन्चिंग जो है वो नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप देखें ये 4-5-6 जो मॉल्स आ रहे हैं और बिल्कुल बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की एंट्रेंस पर आ रहे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। क्यों पॉजिटिव साइन है? कि बैरिया ऑर्चर्ड के अपने फेजेस में आप देख लें, बैरिया के फेज़ 1, 2, 3 में देख लें, आपको इस तरह की ऑप्शन ऑन दी एंट्रेंस, मल्टीपल मॉल्स, मैक्सिमम वैरायटी, मतलब जब ये डेवलप होंगे तो उसमें कपड़ों के ब्रांड्स हों, शू ब्रांड्स हों, मोबाइल शॉप्स हों, कंप्यूटर लैपटॉप शॉप्स हों, कॉस्मेटिक की शॉप्स हों, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट की आपको एरिया हो, रेस्टोरेंट्स हों, बच्चों के लिए प्ले एरिया हो, हर तरह की रिक्रिएशनल एरियाज आपको इन मॉल्स में, इनकी रूफ टॉप्स पे, डिफरेंट मॉल्स में डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो हैं वो कंपटीशन में, पॉजिटिव कंपटीशन में अनाउंस की गई हैं। तो इससे पहले राइवन रोड पे आप इस स्पेसिफिक फेज़ 4 की एंट्रेंस से पहले या इसके बाद अगर आप ढूंढें या देखें या उसको रिसर्च करने की कोशिश करें, तो आपको आइडिया होगा इतनी ज़बरदस्त कमर्शियल एक्टिविटी इतने बड़े फ्रंट के साथ, इतने ज़बरदस्त अट्रैक्शंस के साथ, डिफरेंट मल्टीपल डेवलपर्स के साथ, और एक पॉजिटिव कंपटीशन कि मतलब एक डेवलपर की डेवलपमेंट तेज़ है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली तेज़ करना होगी, वरना सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव फीचर है, ये किसी तरह से नेगेटिव नहीं है, ये फेज़ 4 के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट चलेगी, इनमें बेहतरी आएगी प्राइसेस में भी, इनके मॉल्स की अपनी प्राइसेस में, अपने अपार्टमेंट्स में, अपनी शॉप्स में जो प्राइसेस में बेहतरी आएगी, और इनकी वजह से जो अट्रैक्शंस होती हैं, ये बड़ा एक वाहिद किस्म का फेज़ है जिसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी रेजिडेंशियल एक्टिविटी से ज़्यादा तेज़ है। नॉर्मली होता यह है कि कमर्शियल एक्टिविटी, घर कंस्ट्रक्शन, लोगों का रिहाइश का सारा वहाँ पे सिस्टम जिस वक्त एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उसके बाद कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। लेकिन ये एक ऐसा आइडियल फेज़ है, आइडियली लोकेटेड फेज़ है, कि जिसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी रेजिडेंशियल एक्टिविटी से ज़्यादा तेज़ है। जैसे जैसे ये मॉल्स बनेंगे, हाफ ऑफ द वर्क भी इन तमाम मॉल्स का जिस टाइम पर कम्प्लीट होता नजर आएगा, आप आइडिया नहीं कर सकते कि इसमें जो प्राइसेस हैं 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स की स्पेसिफिक कैटेगरीज मिलती हैं। 5 मरला जो है वो तादाद में बहुत कम है, 10 मरला तादाद में बहुत ज़्यादा है, और 1 कनाल जो है आपको मीडियोकर क्वांटिटी में मिलते हैं। तो ये अगर इनमें से किसी भी चीज़ में, किसी भी प्लॉट में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो ये कमर्शियल एक्टिविटी है, इसकी वजह से डिमांड बढ़नी बढ़नी है, अट्रैक्शन बढ़नी बढ़नी है। और अगर मैं कहूँ कि एक टाइम ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फेज़ 4 जो है वो फेज़ 1 से ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाए, अपनी डेवलपमेंट की बेस पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस पे, अपनी एंट्रेंस की बेस पे, क्योंकि लोगों को ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कि वो एक ही बार विजिट करें अपने लिमिटेड टाइम में, और मैक्सिमम वैरायटी वाले एरिया में विजिट करें। तो लोग जब फेज़ 4 की एंट्रेंस पे, चाहे वो यहाँ के रिहायशी हों, चाहे यहाँ के रिहायशी ना हों, अराइविन रोड के गुजरने वाले हों या सराउंडिंग सोसाइटीज़ के रहने वाले हों, जब वो इस स्पेसिफिक फेज़ को विजिट करेंगे, एक साइड पर उनको टाइम्स स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया मिलेगा, दूसरी साइड पर उनको अरेबियन 99
मॉल मिलेगा, उसके बाद SQ99 मॉल उनको मिल रहा होगा और उसके साथ ही क्यू बाजार मिल रहा होगा और उसकी बैक साइड पे ऑर्चर्ड मॉल। तमाम मॉल्स डिफरेंट एलिवेशन, डिफरेंट फ्रंट, अट्रैक्टिव किस्म के मतलब जो मॉल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, तो क्यों लोग यहाँ का विजिट नहीं करेंगे? और जब विजिट करेंगे तो यहाँ पर रिहाइश रखना भी पसंद करेंगे, यहाँ पर 5 मरला, 10 मरला या 1 कनाल के प्लॉट्स को बाय करना भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उनके लिए रिकमेंडेड है कि अगर आप बाय करते हैं कोई भी प्लॉट्स या इवन के इन स्पेसिफिक मॉल्स में कोई भी ऑप्शन, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। टाइम हर इन्वेस्टमेंट को देना पड़ता है। एक मॉल ने अगर 3 से 4 साल में कंप्लीट होना है तो आप ये माइंड नहीं रख सकते कि मैं प्लॉट अभी ले लूँ और 1 साल में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। आप इनकी कंस्ट्रक्शन का टाइम इनको दें। एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है कि ये मॉल्स की लैंड डेवलपर्स के पास है, डेवलपर्स के पास है तो बैरियर ने उनको अलाउ किया है, मॉल्स बनाना अलाउ किया है, तो कुछ ना कुछ ज़मीन से बाहर डिफरेंट मॉल्स आ चुके हैं, डिफरेंट जो है उनकी जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन में आप सिक्योर भी होते हैं, सेफ भी होते हैं और आप किसी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करने की बेहतर पोजिशन में भी होते हैं। और इसके अलावा अगर आप मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं इस फेज 4 के हवाले से, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उस टाइम पीरियड के हवाले से, क्योंकि ये चीज़ तो गारंटीड है कि अगर आप कोई 3-1 साल के प्लस माइनस में टाइम देते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे, तो आप अच्छा खासा गेन डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सराउंडिंग की सोसाइटीज, सराउंडिंग की एंट्रेंसेज, वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह के डिफरेंट मॉल्स अवेलेबल नहीं है। ये तो अभी स्टार्ट है, इसके आगे जो कमर्शियल की लेंस आ रही हैं फ्यूचर में, इन मॉल्स की देखा देखी यहाँ पर मज़ीद अट्रैक्शन होगी। यहाँ के रेट्स कमर्शियल्स के ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुके हैं और मज़ीद लोग भी यहाँ पर बाइंग भी करेंगे और यहाँ पर रिहाइश के लिए भी इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। मज़ीद फेज 4 के हवाले से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे राबता कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com। CDB प्रॉपर्टीज कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ की हमेशा कोशिश होती है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बेस्ट टाइम पर अच्छी फोरकास्ट के साथ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपके साथ शेयर की जाएँ। हमारे एनालिसिस से, एक्सपीरियंस के बेस पे जो किया जा रहा है उससे एग्री या डिसएग्री करना बिल्कुल आपका राइट है, आपका अपना एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट्स में। और आप अगर हमें कमेंट्स में कुछ गाइड करते हैं, आप हमें अपने फोरकास्ट देते हैं, आप हमें अपने एनालिसिस के बारे में बताते हैं, जो भी आप इस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट से या स्पेसिफिक वीडियो से रिलेटेड सोचते हैं, तो अपना फीडबैक हमें किसी भी सूरत में थ्रू ईमेल्स, थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू कमेंट्स आप देना चाहें। हमारी जो वीडियोस हैं उनको लाइक या डिसलाइक करके किसी तरह से भी आप अपने फीडबैक का इजहार करना चाहें तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।